जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन संसार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्लोज भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये भारत में यूज होने वाला एक कॉमन मसाले में से एक, और कई तरीके की आयुर्वेदिक दवाओं में, फिर घरेलू दवाओं में, यूनानी दवाओं में इसका यूज़ किया जाता है। साथ में हम इसका यूज़ चाय में करते हैं। इसके अलावा ये बाज़ार में मिलने वाले आजकल टूथपेस्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है, और साथ में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके साथ में इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यूज़ करते वक्त आपको क्या सावधानी रखनी है। क्लोज के अंदर हम बात करें इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, या फिर इसके अंदर क्या क्या खनिज पदार्थ होते हैं। तो इसमें होता है कैल्शियम, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, जिंक होता है, विटामिन सी होता है, थायमाइन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, नायसिन होता है, फ्लोएट होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन BA, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, और साथ में विटामिन की होता है, जो हमारी बोन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके गुण एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी फंगल है, साथ में एंटीसेप्टिक है। तो ये हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से बचाता है, फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी जो एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट में रिच रहता है, तो हमारी बॉडी को ये हेल्प करता है, सेल्स को भी हमारी बॉडी की प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इसमें एक केमिकल होता है यूजनॉल, वो एक पेन किलर का तरह काम करता है, और साथ में एक एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। तो स्पेशली ये कान के दर्द में, या फिर दांतों के दर्द में, या साइनस में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका वो यूजनॉल हमें पेन रिलीफ देता है। इसके अलावा ये हमारे मुंह से अगर बैड स्मेल आती है माउथ से, तो ये उसमें हेल्प करता है। ये हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि इंसुलिन की हार्मोन जो है हमारा, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ में हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और आप सभी जानते हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है, ये कफ़ या कोल्ड इस टाइप की बीमारियों में बहुत हेल्प करता है, जैसे सर्दी खांसी होती है उसमें, और ये हमारी जो फेफड़े रहते हैं उसको मजबूत बनाने में हेल्प करता है। साथ में ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि हम जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। जैसे मौसम चेंज होता है, कुछ खा लिया पी लिया तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, उसमें हेल्प करता है। साथ में ये हमारी बोन्स जो है, इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं और जो विटामिन रहते हैं, ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और बोन्स की बीमारी जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसी बीमारियों से हमारी बोन्स को बचाते हैं। या आर्थराइटिस की पेन में आप इसका तेल लगाएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा ये हमारे मुंह के हेल्थ को मेंटेन रखता है, ओरल हेल्थ को, मसूड़ों को अच्छा रखता है, एक्नी को क्लीन करने में, एक्नी को ट्रीट करने में हेल्प करता है इसके जो बैक्टीरिया प्रॉपर्टी एंटी बैक्टीरियल उसकी वजह से। फिर ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, मेल्स को सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो ये उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के पूरा ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो कई लोग हैं जिनके जल्दी जल्दी जिनके पैर सुन हो जाते हैं, हाथ सुन हो जाते हैं, तो ये उस टाइप की हेल्प, उस चीज़ों में हेल्प करेगा आपको। करते इसको लेते वक्त क्या सावधानी रखनी है, या फिर क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ये ब्लड शुगर मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है, तो ये ब्लड शुगर लो करता है। तो अगर आपका पहले से ब्लड शुगर लो है, तो आप प्लीज़ इसको ना लीजिए, या डॉक्टर से पूछ के लीजिए, या एक नियमित मात्रा में लीजिए आप इसको। इसके अलावा ये ब्लड पतला करता है, तो अगर आप कोई भी ब्लड पतला करने वाली दवा ले रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसके साथ में इसको ना लीजिए। और इसकी वजह से अगर आपको कोई चोट लग जाती तो ब्लीडिंग बढ़ा देता है। इसके अलावा कुछ लोगों में इसकी एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से सूजन आ सकती है, या फिर बर्न सा लग सकता है हार्ट में, या फिर आइज़ में बर्न लग सकता है, और या फिर कुछ लोगों में इसकी वजह से स्किन पर रैशेस आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो तो आप इसका अवॉइड कीजिए सेवन। दोस्तों, आप प्लीज़ बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरीके की हम दूसरी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कुछ सजेशन हो या फिर क्वेश्चन हो। तो धन्यवाद।